हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज इनके आंसर आपको करेक्टली प्रोवाइड किया जाए। और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन परफॉर्म नहीं कर सकता पैटर्न क्लासिफिकेशन लीनियरली सेपरेबल पैटर्न के ऊपर, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये फॉल्स है। उसके बाद है हमारे पास कि एंट्रोपी जो है वो 1 है जब कलेक्शन जो है वो कंटेन करती है नंबर जो है पॉजिटिव एग्जांपल्स के डैश टू नेगेटिव एग्जांपल्स, तो इसके अलावा इक्वल्स टू नेगेटिव एग्जांपल्स। और फिर है हमारे पास कि एक जो टिपिकली सॉरी मशीन लर्निंग टिपिकली फॉलो करती है कितने फेजेस को फिनले के मुताबिक, सो इसके अलावा 3 फेजेस को फॉलो करती है। उसके बाद ये मोस्ट पॉपुलर डीफजिफिकेशन मेथड जो है वो सेंट्रॉइड कैलकुलेशन है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। उसके बाद ये रोबोटिक्स जो है उसकी एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन है रोबोटिक्स में कहाँ कहाँ से है? बायोलॉजी साइकोलॉजी मैथमेटिक्स ऑल ऑफ द गिवन से है। उसके बाद देखिए AANS के अंदर MAC यानी कि जो एक एब्रीवेशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है वो जाना जाता है किस नाम से? मीन स्क्वायर्ड एरर के नाम से। उसके बाद ये कि रोबोटिक्स जो हैव कॉन्ट्रीब्यूशन दोबारा आ गया और ये वाला भी दोबारा आ गया। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस है डैश इज द प्रोसेस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके जरिए जिससे क्या होता है कि फजी सेट्स जो है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट को हर रूल के वो कंबाइन होते हैं सिंगल फजी सेट में, यानी कि सिंगल के अंदर कंबाइन हो जाते हैं। सो ये है एग्रीगेशन। उसके बाद ये अगर जो है मल्टीपल पार्ट्स होते हैं एंटीसीडेंट के लिए अप्लाई किया जाता है फजी लॉजिक डैश और रिजोल्व किया जाता है एंटीसीडेंट को टू अ सिंगल नंबर जो कि 0 और 1 के दरमियान, इसके जवाब है ऑपरेटर्स अप्लाई किया जाता है फजी लॉजिक ऑपरेटर्स। उसके बाद ये यूजुअली एक डैश ग्राफ जो है चूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए फजी लॉजिक वो है ट्रायंगुलर ग्राफ। उसके बाद ये रीजनिंग जो होती है फजी लॉजिक में वो जस्ट मैटर है जर्नलाइजिंग का फैमिलियर डैश लॉजिक बुलिन लॉजिक। उसके बाद ये कि हमारे पास अगर इट वॉज एरिस्टोटल था जो कि वो केम अप विद द लॉ जो कि जिन्होंने लॉ दिया है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मेडल, ये ट्रू है फॉल्स? ये ट्रू है। और फिर है हमारे पास के ईच न्यूरॉन हर न्यूरॉन जो है हिडन लेयर के अंदर रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डैश के लिए लाइन के लिए। उसके बाद ये कि इनमें से डैश जो है वो प्रोसेस है फॉर्मुलेटिंग का मैपिंग का गिवन इनपुट से एक आउटपुट तक यूज करते हुए फजी लॉजिक, सो इसका जवाब है क्या? FIS फिस। ये जो है प्रोसेस है फॉर्मुलेट करने का मैपिंग जो है एक गिवन आउटपुट से आउटपुट तक यूज करते हुए फजी लॉजिक। उसके बाद ये फजी लॉजिक जो है वो सुपरसेट है कौन सी लॉजिक का? कन्वेंशनल लॉजिक का। उसके बाद ये कि हम जो है वी कैन गेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं गिवन सम पैरामीटर, कुछ पैरामीटर्स गिवन है यूज करते हुए जेनेटिक एल्गोरिथम, ये ट्रू है फॉल्स? ये ट्रू है। उसके बाद ये डैश रीजनिंग कौन सी रीजनिंग जो बेस्ड होती है फॉर्मिंग के ऊपर या फिर इंड्यूसिंग के ऊपर एक जनरलाइजिंग फॉर्म अ लिस्ट लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है इंडक्टिव। उसके बाद ये डैश जो है वो प्रोसेस है ड्राइव करने का लॉजिकल कंक्लूजन गिवन डेट फैक्ट्स है वो है रीजनिंग। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना करेक्ट स्टेप जो कि यूज होता है स्टार्ट डिजाइन के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम के वो है क्या? वो है फिजिबिलिटी स्टडी। और फिर हमारे पास अगर एंटीसीडेंट जो है वो पार्शली ट्रू है सो जो आउटपुट फजी सेट है वो ट्रंकेटेड होता है अकॉर्डिंग टू डैश मेथड इम्प्लीकेशन के अकॉर्डिंग टू इम्प्लीकेशन मेथड। उसके बाद ये कि चूज करें फील्ड जिसके अंदर फजी रेफरेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली अप्लाइड हुए हैं, सो इसका जवाब ऑटोमेटिक कंट्रोल भी है डेटा क्लासिफिकेशन भी है डिसीजन एनालिसिस भी ऑल ऑफ द गिवन आर द आंसर्स। उसके बाद ये कि फजी लॉजिक फजी लॉजिक जो एक्चुअली एक सुपरसेट है कन्वेंशनल बुलियन जो लॉजिक है उसका, ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है। उसके बाद ये कि एक क्लासिकल सेट जो है कंटेनर है जो कि होली इंक्लूड है या फिर होली एक्सक्लूड है एनी एलिमेंट को, यानी होली इंक्लूड करता है या होली एक्सक्लूड करता है, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। उसके बाद ये कि डिग्री ऑफ ट्रुथ जो है जो कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली ड्रिवन आउट हुआ है एक फंक्शन से जो कहलाता है डैश फंक्शन, वो है मेंबरशिप फंक्शन। और उसके बाद एक जो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स है वो फर्दर डिवाइड होती है स्ट्रक्चर्ड में और डैश प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में। और उसके बाद है हमारे पास के रीजनिंग जो है फॉरवर्ड चेनिंग के अंदर जानी जाती है किसके तौर पर? डेटा ड्रिवन रीजनिंग के तौर पर। और फिर है हमारे पास एक रूल जो कि टेक करता है लेता है एक सेट ऑफ इनपुट और गिव करता है एडवाइस एज अ रिजल्ट, वो कहलाता है क्या? डायरेक्टिव रूल। और फिर हमारे पास किस कुछ केसेस के अंदर रूल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं मोर डेफिनेट एक्शन जैसे कि मूव लेफ्ट या फिर क्लोज डोर, इन विच केस
किस केस के अंदर रूल्स जो है वो यूज हो रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या डायरेक्टिव्स, और फिर है हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर। एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर डैश जो है वो कंटेन करता है फैक्ट्स जो है कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के बारे में, और रूल्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं रीजनिंग प्रोसीजर एक एक्सपर्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, वो है नॉलेज बेस्ड। उसके बाद ये कि एक्सपर्ट सिस्टम टेक्निक जो है जहाँ पर एक हाइपोथेसिस गिवन होता है बिगिनिंग में और इंटरफेरेंस इंजन प्रोसीड टू आस्क के लिए यूजर क्वेश्चन सिलेक्टेड फैक्ट्स के बारे में अंटिल के हाइपोथेसिस या तो कंफर्म या फिर डिनाइड हो, वो है बैकवर्ड चेनिंग। और उसके बाद ये कि सेमेंटिक नेटवर्क्स जो है वो ग्राफ्स होते हैं नोड्स रिप्रेजेंटिंग डैश, और आर्क जो है वो रिप्रेजेंटिंग करते हैं डैश को ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, नोड्स रिप्रेजेंटिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और आर्क रिप्रेजेंटिंग करते हैं रिलेशनशिप को ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। उसके बाद ये कि एक स्टेटमेंट जो होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के अंदर कंसिस्ट करता है क्या, एंड्स ऑफ ऑर्स। उसके बाद ये कि एडवर्सेरियल सर्च के अंदर देयर में अकर सच अ सिनेरियो, अकर हो सकता है एक सिनेरियो जहाँ पर दो ओपोनेंट्स कहलाते हैं क्या डैश गोल्स एडवर्सरीज गोल। उसके बाद ये कि म्यूटेशन जो है वो सिंपल हो सकता है जस्ट फ्लिपिंग अ बिट एट रैंडम और द एनी नंबर ऑफ बिट्स, ये ट्रू है फॉल्स, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है किसका फैक्ट्स का। उसके बाद ये कि डिसीजन ट्री हमें देता है डिसजंक्शंस कंजंक्शंस का जो कि डैट इज दे हैव द फॉर्म, फॉर्म है डैश वो है और ओ आर। उसके बाद ये क्या हाइपोथेसिस स्पेस यूज करता है डैश को एट्रीब्यूट्स के, वो है कंजंक्शंस एंड। उसके बाद ये कि मेजर्स जो है इफेक्टिवनेस का एक एट्रीब्यूट का इन क्लासिफाइंग द ट्रेनिंग डेटा, क्लासिफाई करने में ट्रेनिंग डेटा को, डेटा ट्रेनिंग में वो कहलाता है क्या इन्फॉर्मेशन गेन। उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट जो रिप्रेजेंटेशन होता है डैश का विद रिस्पेक्ट टू गिवन एट्रीब्यूट वो है प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि आउटपुट जो लर्निंग के डिटरमाइंड होता है किससे एप्लीकेशन से। उसके बाद ये कि कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट करता है क्या वर्जन स्पेस। उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग टेक्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेता है जनरलाइज करता है रेदर देन स्टार्टिंग विद डैश नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज की जगह। उसके बाद ये कि ब्रेन जो है कलेक्शन है अबाउट 100 डैश इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन, कितने इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का 100 बिलियंस इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। उसके बाद ये कि मशीन लर्निंग एक प्री रिक्विजिट है किसी भी मेजर प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये ट्रू है फॉल्स है, सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश लर्निंग वर्क करती है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज पे और डिड्यूस करती है न्यू नॉलेज ओल्ड से, वो कहलाता है क्या डिडक्टिव। उसके बाद ये कि मशीन लर्निंग, बहुत सी मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो क्लासीफायर्स हैं, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश स्टैंड्स फॉर आई इंटरेक्टिव डिजिटल टोमाइजर, यानी कि ये एक एब्रीवेशन इसकी क्या है वो है आईडी। उसके बाद ये कि फजी इन्फेरेंस सिस्टम FIS यानी कि फजी इन्फेरेंस सिस्टम जो है वो एसोसिएट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है नंबर ऑफ नेम्स के साथ, ये ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स है। उसके बाद ये डैश लॉजिक लेट अस डिफाइन, हमें डिफाइन करने देती है कौन सी लॉजिक हमें डिफाइन करने देती है ज़्यादा रियलिस्टिकली ट्रू फंक्शन जो कि डिफाइन करता है रियल वर्ल्ड को, ये है फजी लॉजिक। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरा जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।